कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। पता चला है कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था वो बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बीजेपी ने इसे लेकर कई सवाल उठा दिए हैं और पूछा है कि क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के निर्देश पर रेप मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय रॉय को फंसाया है, क्योंकि मुख्य आरोपी संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस खौफनाक सच को कबूल किया वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलकाता की निर्भया कांड का खौफनाक सच सामने आ गया। बेटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप, पता चल गया। रेप मर्डर केस में दरिंदे का सबसे बड़ा कबूलनामा। पॉलीग्राफ टेस्ट में कोलकाता कांड के दरिंदे संजय रॉय ने वो खौफनाक सच बताया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। संजय रॉय ने सीबीआई की टीम के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया था। रेप के बाद उसने लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। पॉलीग्राफ टेस्ट में दरिंदे ने हत्या की वजह भी बताई। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, इसीलिए उसने लेडी डॉक्टर को चुप कराने के लिए उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। जब लेडी डॉक्टर का शरीर ढीला पड़ गया, हाथ और पैरों में हरकत बंद हो गई, वो शांत हो गई, तब जाकर उस दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के गले से अपनी पकड़ ढीली की। शायद उसने अंजाम के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन रेप के बाद जब निर्भया चीखने चिल्लाने लगी तब संजय रॉय घबरा गया, डर गया। उसे लगा कि अभी कोई सुन लेगा, वो पकड़ा जाएगा, उसकी घिनौनी करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी। इसी घबराहट में उसने रेप के घिनौने अपराध के बाद हत्या का दूसरा जघन्य अपराध कर डाला। घटना से पहले और घटना के बाद आरोपी संजय रॉय ने जो किया था वो भी उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई की टीम के सामने बयां किया। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि घटना से पहले उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी गया था। इसके बाद दोनों दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला गए, जहां उसके दोस्त ने सेक्स वर्कर के साथ संबंध बनाए, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी एक महिला मित्र को वीडियो कॉल किया और उसकी अश्लील तस्वीरें मांगी। इसके बाद उसने फिर से शराब पी और आरजी कर अस्पताल वापस आ गया, जबकि घटना के बाद आरोपी संजय रॉय अपने एक दोस्त के घर गया था। संजय रॉय का ये दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर है। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त की रात यानी घटना वाली रात 2:45 पर लेडी डॉक्टर जिंदा थी और उसने अपने मोबाइल से अपने एक रिश्तेदार के संदेश का जवाब दिया था। हालांकि एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये संदेश खुद लेडी डॉक्टर ने भेजा था या किसी और ने उसके फोन का इस्तेमाल किया था।